Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, पीजे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, दुकानें है बड़ी इनकी, भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है, लड़ते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा, क्या तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, और टीम एवीपी एक बार फिर से आपके बीच में आ चुकी है आपको एक नई शुरुआत बताने के लिए। आज 2-3 बहुत सारे सरप्राइजिंग रहे, बहुत सारे लोग कह रहे थे एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, तो जब एडमिट कार्ड आया तो भैया हमने कहा चलो कमर कस लेते हैं बच्चों के साथ में, और विशाल सर, अपुनीत सर और मैं एक बार आपको बताने के लिए आ चुके हैं कि देखिए अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि कितने बच्चे इस बार एग्जाम प्री क्वालिफाई करेंगे। मेंस हमारा चल रहा है, प्री भी हम लोग पढ़ा ही रहे थे बहुत सारे बच्चों को, तो देखते हैं 10 दिन में हम लोग क्या प्लान आपके लिए लेकर आ रहे हैं, 10 दिन में ऐसी कौन सी गुट्टी आपको हम पिलाने वाले हैं, ऐसी कौन सी डोज आपको देने वाले हैं जो इतनी असरदार होगी कि एग्जाम भी निकालेगी। शायद वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड, एक बार चेक कर लीजिए अपने लैपटॉप में। हाँ सर, मेरे एंड से तो बिल्कुल सही है, एक बार आप चेक करिए। सही आवाज से आ रही है पुनीत सर? फाइन, ठीक 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 है, ठीक है, अरुण सर सही है, ओके, ठीक 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 है ना। चलो तो एक बार जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है भाई, सभी से मैं कहूंगा कि आवाज एक बार चेक कर लेना, अगर सिस्टम कम हो तो बढ़ा लेना थोड़ा सा आवाज, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि हमने आप लोगों से कहा कि एडमिट कार्ड आ चुका है और अब सारे लोगों ने कमर कस ली है, पुनीत सर ने देखा 8 बजे से, अभी 8 बजे से वो क्लास ले भी रहे हैं एसबीआई क्लर्क की, मैं विशाल सर कल से शुरू करेंगे, तो जबरदस्त होने वाला है। 10 दिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ उतनी मेहनत करें, उतनी नहीं उससे ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपको जॉब लेनी है इस बार। तो विशाल सर, पुनीत सर, बताइए एक बार बच्चे को क्या है हमारे इस बार नए मंथ और नए सिरे की तैयारी में, ओवर टू यू सर। तो सबसे पहले तो भैया हम लोग तो कहते कहते थक गए कि जब भी एग्जाम आएगा आप लगे रहिए, लगे रहिए। अगर मैं यहां बात करूं, एसबीआई ने हार्डली 10 डेज दिए हैं प्री के लिए, लेकिन वो बात भी दूर नहीं है, ये भी नहीं भूलना चाहिए, प्री क्या, जब आप एग्जाम देकर आएंगे 13 तक, तो 8-10 दिन रिजल्ट आने में लगेंगे, उसके बाद मेंस के लिए शायद 10 दिन भी ना मिले, प्री के लिए तो एटलीस्ट 10 डेज हैं, लेकिन यकीन मानिए मेंस के लिए आपके पास 10 दिन भी नहीं होंगे। तो जो बच्चा पहले से, मैं देखता था डेली यूट्यूब पे विशाल सर, मैं फरवरी से लगातार एसबीआई क्लर्क प्री पढ़ा रहा था,
जब एसबीए क्लर्करी का डे वन था उस दिन भी बच्चा पूछता था कि सर क्या नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, और जब डे 44-45 हुआ तब तक भी एक ना एक आता था, ये पूछता था वो एग्जाम होगा। और विशाल सर यकीन मानिए वो आज भी यही कहता है, अच्छा एग्जाम ने केवल 10 दिन दिए, तो वो पहले भी क्वेश्चन कर रहा था, वो आज भी क्वेश्चन करेगा और वो एग्जाम के बाद भी क्वेश्चन ही करेगा। तो मेरा आपसे कहना है विशाल सर, मैं ये कह रहा था कि जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा था अब केवल उसका एक कॉम्पिटिटर है, वो है खुद, वो खुद बच्चा, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। बाकी लोग तो सदमे में है कि एग्जाम आ गया भाई, ऑलमोस्ट 50-60% तो बच्चा सदमे में है कि एग्जाम आ गया मैं करूं क्या, मेरा तो होना ही नहीं, और गलती से फ्री हो गया तो मेंस नहीं होना। तो मैं तो अपने प्लस क्लास में जब बच्चों के साथ बैठा हुआ था विशाल सर, मैं यही कन्विंस कर रहा था उनको, और एग्री भी कर रहे थे बच्चे कि सही बात है, अगर हम इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो हमें तो किसी बात की डरना की बात ही नहीं है, जो हम कर रहे थे वही हम अब आगे कर रहे हैं। अब हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए, यकीन मानिए मैंने सभी बच्चों से बोला भी था, मैं अरुण सर विशाल सर ये करने वाले हैं कि आज जो हम आपको बताएंगे, जो हम प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे, और मैं तो आज रात से ही इंप्लीमेंट भी करने वाला हूं, तो वो आपको मतलब ये होता ना कि मैं ये सोच रहा था कि 10 दिन में अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो यकीन मानिए जो आपने सोचा था ना उससे 2 गुना नहीं 4 गुना बेहतर हम लोग करने वाले हैं। पहले विशाल सर आपके कुछ कमेंट, ओवर टू सर। सर मैं बताऊं मेन मेन चीज पर आपने दोनों लोगों ने बता दिया, मतलब मेन चीज अब कोई ऐसी बची नहीं, बच्चों को बता भी दिया क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। और कुछ लोग जो पहले भी कह रहे थे कि उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड सर, उन्हें दिक्कत शायद फिर होती भी रहेगी। सर मैंने आपका वीडियो गलती से रिमूव कर दिया, ठीक है आ गया। हाँ तो वो पहले भी दिक्कत हो रही थी, उन्हें आज भी दिक्कत हो रही है, ऐसे कई सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपने अपनी मेहनत करी उस मेहनत पर आपको जम के बस आगे बढ़ना है, मेहनत के लिए हम लोग साथ में हैं। अरुण सर जरा बताइए कल से हम लोग कैसे कैसे शुरू करें, और पुनीत सर ने तो आज ही शुरू कर दिया है कि मैं आज ही से शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास समय, मैं आज ही से शुरू कर दूंगा। अरुण सर ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा कि जो यहाँ पर जितने भी लोग बने हुए हैं, देखिए दो चीजें हैं कि कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब कल 30 जून है तो कल से हम लोग यूट्यूब क्लासेस शुरू कर रहे हैं, पुनीत सर ने यूट्यूब क्लासेस शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री यूट्यूब क्लास आपको मिलेगी एग्जाम तक, है ना। तो फ्री यूट्यूब क्लास का मैं टाइम आपको बता दे रहा हूँ कि कब कब क्लास होगी और किस किस सब्जेक्ट की क्लास आपको कब कब मिलेगी। देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा इंग्लिश, कल से मिलेगा सुबह 9 बजे, फाइन। उसके बाद मैथ्स अपना चलेगा 10 बजे, ठीक है। 10 बजे के बाद आपका जो रीजनिंग होगा वो रात के 8 बजे चलेगा, ठीक है। अभी पुनीत सर की क्लास भी 8 बजे आप लोग जाके देख भी सकते हैं। तो ये आपकी यूट्यूब की क्लासेस का जो शेड्यूल है एक बार चेक कर ले। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ कि कैसा लगा शेड्यूल, मैं सर पोल करवा लेता हूँ बच्चों से। सर इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिए अरुण सर। हाँ जी बताइए सर। इसमें लिख दीजिए सैटरडे को कम से कम 4-4 आवर्स टेस्ट, तो बच्चे को और मैं पूरा बता रहा हूँ सर बच्चों को। पहले YouTube क्लासेस एक बार सब लोग चेक कर लो कि भाई कल से चालू है, ठीक है, और पुनीत सर की क्लास आज से चालू है, YouTube हो गया। लेकिन हमारा काम ना YouTube से नहीं चलने वाला। अगर आपको लगता है कि सर मैं 1 घंटे पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा, मैं कहूंगा नहीं सर, हमें जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, 1 घंटा और हमें देना है। देखो अब बात आती है सर 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों, अगर आपको बाकी लोगों से आगे भागना है। देखिए 10 दिन बचे हैं यार, मैं कहूंगा 10 दिन में कम से कम 6-6, 7-7 घंटे पढ़ लो, क्या क्या जा रहा है बताओ, है ना। तो 1 घंटे आप, 3 घंटे आप YouTube पढ़ रहे हो, इसके अलावा 3 घंटे आप हमारे साथ प्लस पे पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये प्लस क्यों है, 90% से ज्यादा लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो प्लस पे पढ़ते हैं और जिनका भरोसा है, जो हमसे जनवरी से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने बेसिक हमारे साथ इतना पढ़ लिया, 2-2, 3-3 बैच बेसिक के लगा लिए। तो उनका भी कहना है कि सर 10 दिन के लिए हमें कुछ, आप YouTube पे पढ़ा रहे हो अच्छी बात है, हमें कुछ और चीज भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दीजिए। तो प्लस वालों के लिए हम 3 घंटे प्लस भी पढ़ा रहे हैं जिसपे हमारा 10 दिन का क्रैश कोर्स होगा। मैं बता देता हूं 10 डेज का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है सर। तो 2-2 घंटे आपको हमारे साथ पढ़ना है, 1 घंटे आप YouTube पे पढ़ रहे हैं और 1 घंटे प्लस पे। प्लस की मैं टाइमिंग लिख दे रहा हूं कि जो मैथ्स की टाइमिंग होगी वो होगी 11 बजे, सुबह के 11 बजे, मतलब 10 से 11 आपने YouTube पढ़ा, 11 बजे आप फिर प्लस पे आ गए। इंग्लिश का जो टाइमिंग होगा विशाल सर 12 बजे, हाँ जी, और जो रीजनिंग का टाइमिंग होगा 1 बजे, वो 1 बजे। तो आप देख सकते हो कि मकसद क्या है कि 3 घंटे
रुक गया विशाल सर, अरुण सर का एक वीडियो सेकेंड, अरुण सर का वीडियो रुक गया है, वॉइस बीच में रुक गया है। चलिए कोई मैं नहीं, कंटिन्यू करूं? हाँ आप सर आप कंटिन्यू करिए आगे। तो देखिए अरुण सर जो आपको बता रहे थे, मैं वही से कंटिन्यू करूंगा। एक्चुअल में 90% से ज्यादा बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्लस पे हमारे साथ हैं। अब तो हम आपसे ये भी नहीं कह सकते अब आप प्लस खरीद लीजिए, हम आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे, वो तो आपका पार्ट है, आपको लगता है तो प्लस में आपको हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन हम लोग इस उम्मीद पर हैं, जो हमारा भरोसा है, बच्चों का भरोसा है हमारे ऊपर, वो हम YouTube पे तो जबरदस्त मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन अगले 10 दिन, यकीन मानिएगा 10 दिन नहीं, पूरा महीना कैसे, वो भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। अगले 10 दिन तो हम लोग ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले, 3 घंटे अरुण सर, 2 घंटे अरुण सर, 2 घंटे विशाल सर, 2 घंटे में, 1 घंटा स्पेशल पर या यूट्यूब पर और 1 घंटा प्लस में, तो दो दो घंटे 6 घंटे ही हो गए। अब जैसे ही आप 13 तारीख को वापस आएंगे, 13 तारीख को वापस आएंगे, आपको पता होगा हमारे मेंस का ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसमें ऑल्टरनेटिव डेज पर ऑलरेडी क्लास चल रही है। लेकिन हमें पता है SBI निकालना इतना आसान काम नहीं है, तो हम लोगों ने एक और प्लानिंग करी है आपके लिए। स्पेशली हम लोगों ने डिजाइन किया है कि 13 तारीख को जैसे ही आप प्री के एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके, तो 14 तारीख से डेली, क्योंकि मेंस के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप एग्जाम का रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। तो जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ हैं उनको पैसे तो देने नहीं है, तो हमें मेहनत ज्यादा करनी है, आप तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं ही, तो हम मेंस की क्लास तो ऑल्टरनेटिव डेज पर आपको दे ही रहे थे, अब डेली आपको मेंस की क्लास दी जाएगी, जिससे कि आपको अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस आए और फेथ आए कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे थे अब टीम एबीपी ने उसमें और अपनी भी एफर्ट लगा लगा के हमें इस तरीके से तैयार कर दिया है कि अब हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप तो सोचते हैं कि अगर हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाती तो मजा आया था, तो हमें पता है लास्ट के 10 दिन आपको क्या क्या चाहिए, और जितना हम अब 10 दिन में पढ़ाएंगे ना, इसके अलावा हमारी टीम कभी आपसे नहीं कहेगी क्विज लगाओ, टेस्ट लगाओ, वनडे लगाओ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है, हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे अगले 10 दिन में जो आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग ये प्लानिंग है, अब इंप्लीमेंट करने की बारी। ओवर टू यू सर। सर बात सही है आपकी, और दोस्तों आप लोगों को बस अब एक चीज मैं आपको और रिपीट कर दे रहा हूं, वो है टाइमिंग को लेकर। मैं दोबारा बता देता हूं जो अभी अरुण सर ने बताई, टाइमिंग बड़े ध्यान से सुनो। YouTube की टाइमिंग अभी से स्टार्ट हो रही है रात 8 बजे से, यानी रात 8 बजे पुनीत सर पढ़ाएंगे, रात को 8 बजे 8 PM YouTube, ठीक है। और सुबह 9 बजे इंग्लिश की क्लास मैं पढ़ाऊंगा, तो कल सुबह 9 बजे मुझसे जुड़ना। फिर उसके बाद 10 बजे अरुण सर पढ़ाएंगे, फिर रात को 8 बजे पुनीत सर पढ़ाएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे मैं, 10 बजे अरुण सर। तो ये है YouTube की टाइमिंग, यानी कि रात के 8 बजे पुनीत सर पढ़ाएंगे, सुबह 9 बजे मैं पढ़ाऊंगा और सुबह 10 बजे अरुण सर पढ़ाएंगे। अब इसके अलावा जब आप प्लस में पढ़ रहे हैं तो प्लस की टाइमिंग क्या है, सुबह 11 बजे आप मैथ्स पढ़ेंगे, 12 बजे आप इंग्लिश पढ़ेंगे और 1 बजे आप रीजनिंग पढ़ेंगे। ये आपकी प्लस की टाइमिंग। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने आप को बाकी सारी चीजें छोड़कर सिर्फ इन्हीं क्लासेस पर ही फोकस करना और कुछ नहीं करना है। हम गारंटी आपको देते हैं, जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आप कहोगे सर क्या पेपर आपने बनाया था, और इसकी गारंटी देने के लिए आप प्रूफ के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, आप कोई भी एग्जाम रिव्यू उठाओ और वहां पर आपको एक बात तो जरूर देखने को मिलेगी, पुनीत सर ऐसा है कि एज इट इज क्वेश्चन आ गया। ये जब कोई स्टूडेंट फोन करके कह रहा होता है जिससे हम रिव्यू लेते हैं तब हमें मजा आता है, और हमें लगता है यार हमने जो मेहनत करी वो काम की मेहनत है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब सब लोग कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि एग्जामिनर क्या करता है, पुनीत सर की क्लास देखता है और वो लगता है अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, लाओ ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं। तो मतलब जब ऐसी चीजें होती है तो हमें तो लगता है ना कि हम बाकी सबसे एक स्टेप आगे, हमारे सारे स्टूडेंट बाकी सबसे एक स्टेप आगे। तो आप आगे बढ़िए, 10 दिन है, कुछ मत सोचो, इन 10 दिन में अपने आप को झोंक दो, बढ़िया तरीके से अच्छे तैयारी करो। रात के 8 बजे अभी आधे घंटे बाद पुनीत सर स्टार्ट करने वाले क्लास, पुनीत सर की क्लास में आना, सुबह 9 बजे मैं स्टार्ट करूंगा मेरी क्लास में आना, फिर अरुण सर की क्लास में आना, कंटिन्यू से करो। पुनीत सर ओवर टू यू। बाकी गाइस मुझे केवल इतनी बात करनी है, अब तो 8 बजे मिलते हैं, धमाल मचाते हैं आज से भाई, एक एक समय बहुत कीमती है विशाल सर, अभी 35 मिनट बचे हुए मेरे पास और मुझे इनका कंटेंट एक बार चेक करना है, और फिर इनके साथ भैया रात के 8 बजे आज आ जाइएगा, टाइम से टाइम बता दिया हम लोगों ने YouTube का भी और प्लस का भी। प्लस पर 11 बजे मैथ की क्लास होगी, 12 बजे इंग्लिश और 1 बजे रीजनिंग। अच्छा अरुण सर भी आ गए, अरुण सर भी तो मेंस का भी बता दिया, प्री का भी बता दिया। अरुण सर आपके लास्ट कमेंट कर लीजिए, अरुण सर आप कुछ कहना है तो आपको बता दो। अरुण सर आप ये बता दीजिए, बाकी सब हमने बता दिया, आप सर ये बता दीजिए प्लस पर बच्चे आएंगे तो आएंगे कैसे, क्योंकि नए वाले बच्चों को पता नहीं होगा। हाँ
बिल्कुल, तो मैं सर बता देता हूँ कि बच्चों आपको कैसे आना है प्लस कोर्स पे। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, इट्स अ सिंपल गेम। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में, एक मिनट सर, आप एक मिनट सर, चलो मैं सर ऐसे बता दे रहा हूँ बच्चे को। देखिए गाइस आपको करना क्या है, सुनेगा ध्यान से कि आपको क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है आपको, कहां से स्टोर करोगे? इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे। तो भाई जैसे ही आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको बैंक एग्जाम अपना गोल चूज करना है, बैंक एग्जाम। और जैसे ही आप बैंक एग्जाम गोल चूज करोगे, आपको चले जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज करते हो 1 महीने के लिए, इसपे आपको डेटा कॉलिंग सब फ्री मिलता है, तो सेम यहाँ पर भी एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको सब फ्री मिलेगा। किसी अलग अलग क्लासेस की जरूरत नहीं कि विशाल सर का अलग सब्सक्रिप्शन है, अरुण सर का अलग, ऐसा नहीं है। प्लस इसके अलावा अनअकैडमी पर जितने एजुकेटर है वो सारे मिलेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन में आएंगे, आपको एक कोड पूछेगा रेफरल कोड करके। रेफरल कोड क्यों आपसे पूछेगा? आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप AVP10 आप अप्लाई करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो कोर्स का लिंक होगा वो आज हमारे कोर्स लाइव हो जाएंगे, तो हम इसी वीडियो के नीचे कोर्स के लिंक भी पेस्ट करवा देंगे। तो विशाल सर बच्चों को बता दीजिएगा कि वो लिंक से भी सीधे जा सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बाकी बैंकर्स वे का टेलीग्राम, जो हमारे टेलीग्राम है, उस पर भी हम अपना कोर्स जैसे ही लाइव होगा शेयर करा देंगे, आपको वहां से भी मिल जाएंगे, ठीक है सर? जी सर, सर बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए तो इसी के साथ सर एंड करते हैं। श्योर सर, श्योर श्योर, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन बची नहीं, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग, और अब हम मिलते हैं दोस्तों आपसे कल, और अब हम आपसे कल मिलते हैं दोस्तों। और अभी अब पुनीत सर की क्लास में आप लोग जाइए रात के 8 बजे, और उसके बाद सुबह 9 बजे मुझसे मिलिए और 10 बजे अरुण सर से मिलिए। फटाफट से बढ़िया तरीके से पढ़िए, फिर प्लस में आएगा 11-12-1, आपके पास पूरा पूरा टाइम है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट, और 10 दिन जम के पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।